बात है, हमारे खानदान की लड़की आया बनेगी। कमाल करती है तू तो। मौसी, आया और गवनिस में बहुत फर्क होता है। हाँ हाँ, उतना ही होता है जितना ए होस्टेस और सोफिस्टिकेटेड नौकरानी में। ये ले, पराठा खा ले जल्दी से, चल। खाना ले। आज ना अग्नि साक्षी देखने चलेंगे। सुना है नाना पाटेकर ने क्या एक्टिंग की है। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। देख बेटे, हमारे खानदान में कोई लुकाव छुपा नहीं है। बोल, तुझे क्या कहना है। बेटी, तू समझती नहीं है, रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। तुझे अभी शादी नहीं करनी है ना, लेकिन कभी तो करेगी। अगर ये आया की नौकरी करेगी तो कहीं रिश्ता नहीं होगा। हाँ मामा, मैं आपसे पूछती हूँ, कहाँ थे ये रिश्तेदार जब ऋचा के साथ वो हादसा हुआ? कहाँ गए थे आपके लोग जब हमारे घर पे पत्थर मारे गए थे? रिश्तेदारों की बात तो छोड़, नौकरी तो इज्जतदार होनी चाहिए। मामा, आप कमाल करती है। आप ही ने कहा था ना कि हर नौकरी में इज्जत होती है। आपकी पहली नौकरी क्या थी? एक लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें आपको इज्जत नहीं मिलती थी? मामा, छोटे काम से ही शुरुआत होती है। हाँ हाँ, लेकिन हमारे जमाने की बात बिल्कुल अलग है। मामा, आप अपने जमाने पे फक्र कीजिए, मैं जा रही हूँ और मैं जरूर जाऊंगी। मौसी, बड़ी जिद्दी लड़की है तुम्हारी राधा। मुझे लग रहा है कि मैं एक आजाद चिड़िया हूँ और मेरे पंख भी कलाए हैं और मैं उड़ के कहीं भी जा सकती हूँ। तुम इतनी दूर मत चली जाना कि तुम्हें फॉलो करना मुश्किल हो जाए। अच्छा बताओ, आउट ऑफ ऑल एनिमल्स, व्हाई ओनली द एलिफेंट वाज अलाउड इन द स्विमिंग पूल? Because he resembles you. Shut up! Because he was wearing trunk. Let me make one thing very clear. तुम मेरे सिवा ना किसी से बात करोगी, ना देखोगी और ना बोलोगी। एक्सीडेंट हो जाए और बदले में ये मुझसे पैसे आके चूंगे। अंधे, यही बात है ना? ये हम चलते हैं, हमारा रिवर क्रूज मिस हो जाएगा। एक मिनट का, ये कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। Did he misbehave with you, प्रिया? अरे जाइए मैडम, जाइए, आपके लवर हुआ है, आपको बुला रहे हैं, जाइए। खामखा लफड़ा मत मोड़ लीजिए, जाइए। बेटा, तुम लोग वही हो ना? जी भाई साहब, इसको तो मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। एक तो एक्सीडेंट करता है, उसका मतलब दादागिरी। अरे छोड़िए मैडम, राहुल मैंने अपनी आंखों से देखा है इसने। जाने दो बेटा, ये हमारे साथ तो हमेशा होता है। किस किस को समझाए? अगर तुमने बातों में नहीं उलझाया होता ना, तो उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाती मैं। छोड़ो प्रिया, चलो यहाँ से चलते। मैं सोच रहा था आप चले गए। नहीं, एक हफ्ता और ठहरेंगे। वाह, एक हफ्ता और? जी हाँ। कहाँ ठहरे हो? सुमन मोटेल। बहुत अच्छी जगह है। आप कहाँ ठहरे हैं? मैं शहर से बहुत दूर ठहरा था, एक कॉटेज में। बहुत खूबसूरत जगह है, एकदम शांत। मुझे शांति बहुत पसंद है। अच्छा। समुन्दर के किनारे दोनों ही अंधे, ना समुन्दर देख सकता है और ना मैं। पानी है, जरा ध्यान से आइएगा। राहुल जी, हाँ, संभाल कर। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। भाई साहब, अगर हम कॉफी किसी और दिन पिए तो? ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे होटल आ जाइए आज शाम को, क्यों नहीं? आज शाम को? हाँ, ये ठीक रहेगा। आज कुछ कर भी नहीं रहा। आज तो हम कॉन्कनी डांस के लिए जा रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, फिर सही। आप हमारे होटल कभी भी आ जाइएगा। आप वैसे यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं? मैं हर साल यहाँ 2-3 महीने के लिए आता हूँ। तो आप इस जगह को अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह से, और उन
जगह को भी जिसको कोई नहीं पहचानता। अच्छा तो फिर आप जरूर आइएगा। ओके जरूर। ओके हम चलते हैं। ओके बाय 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 बाय। एक कप कॉफी पी लेगा तो इसकी इज्जत चली जाएगी। अबे अच्छा लगेगा मुझे तेरी हड्डी पसली तोड़ के, बहुत अच्छा लगेगा। 15, 16, 17 नहीं नहीं नहीं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। रिया ये काम नहीं करेगी। 18, 19, 20 रिया अपनी बेडशीट देख। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। राधा आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। 30, 31, 32, 33 देखो तुम बहुत प्यारे हो, मैं समझती हूँ तुम बहुत ही प्यारे हो ऐशली, लेकिन अपने घर के मामले में मुझे क्या करना है ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। नहीं आप नहीं जानती, और वो इसलिए क्योंकि रिया आपको हर बात नहीं बताती। राधा कुछ वजहों से रिया में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, और उसकी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए बढ़ाने के लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा कि हर 15-20 दिन बाद वो किसी भी कोर्स को क्यों छोड़ देती है? क्योंकि मूडी है, सीरियस नहीं है वो। नहीं, क्योंकि उसे डर लगता है, हारने का डर, बेहतरीन साबित ना होने का डर। वो आपके नजरों से गिरना नहीं चाहती, इसीलिए किसी भी कोर्स को एग्जाम के 10 दिन पहले वो छोड़ देती है। तुमसे किसने कहा? मेरा यकीन कीजिए ये सच है। राधा रिया हैज गॉट हरसेल्फ इनटू अ लिटिल प्रॉब्लम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। कमॉन राधा ये तो सिर्फ 6 महीनों की बात है। 6 महीनों की? वो तो 6 दिन भी मानी टिक पाएगी, बच्चा संभालेगी, खुद बच्ची है, उसे क्या आता है बच्चों के बारे में। अरे तो आ जाएगा, ये नौकरी उसकी पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है, एंड फिर हु नोज शी माइट जस्ट डेवलप एन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज। देखो अगर वो इतनी नर्वस है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? यही क्यों? क्योंकि बच्चों को संभालने का ताल्लुक साइकोलॉजी से है। It's a great learning and practical experience. Please, Radha, आप इसे किसी भी आम नौकरी की तरह मत लीजिए। Rest my case. ठीक है, तुम जा सकती हो। याद रखना ये फैसला तुम्हारा है, वहां की स्थिति जैसी भी हो तुम वापस नहीं आओगे, तुम्हें वहां 1 महीना रहना ही पड़ेगा कम से कम। क्या खबर है? ड्यूटी पे जा रहा हूँ सर, उनके साथ गोंद की तरह चिपका हुआ हूँ, आज तो मैंने उनसे दोस्ती भी कर ली है। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, जो भी मिसेस सेठ ने तुमसे कहा है तुम ठीक उसका उल्टा करोगे, और हर काम होशियारी से करना, क्योंकि मिसेस सेठ बहुत ही चाला चीज है। सर मैं तो आपका ही आदमी हूँ, आपका ही काम करूंगा। सर वो मेरी फीस अभी तक। फीस? तुम मुझसे फीस मांग रहे हो? भूल गए कि ये काम मैंने तुम्हें दिलवाया? मना तुम्हारे जैसे मिसेस सेठ तक तो पहुंच ही नहीं सकते। हाँ ये बात अलग है कि वो ये बात अब भूलने लगी है कि मैंने उसके लिए क्या किया, मगर अब तुम भी। मेरा तो यही धंधा है ना सर, फीस आप जो भी तय करें, लेकिन 100 रुपया डेली अलाउंस। 100 रुपये विद असिस्टेंट सर? 100 रुपये बहुत हो गए। शहर बहुत महंगा है सर, 15 रुपये की तो दाल फ्राई प्लेट है सर। ओके ठीक है। होटल का भाड़ा और कन्वेंस अलग, और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट? तुम्हारे कहने का मतलब है कि एंटरटेनमेंट के भी पैसे मैं दूं फिल्म दिखाने के लिए? नहीं सर, शिकार का एंटरटेनमेंट, जैसे शिकार को कॉफी पिलाने लेके जाना। अब मैं कहां से दूंगा सर ये पैसे, बड़े लोग हैं, ढाबे पे कॉफी पिला नहीं सकता, रेशन मानना पड़ता है सर। ओके ओके आई एम इम्प्रेस्ड। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं।
मिसेस सेठ को लगना चाहिए कि ये काम उनका हो रहा है, लेकिन असल में ये काम मेरे लिए होना चाहिए। और हर काम होशियारी से। चीता का दूसरा नाम होशियारी है सर। ऑल द बेस्ट। पल भर जो छुप गए कहीं तुम, ना और अब सताओ आंखों में फिर से समाओ, नजरों की रोशनी हो तुम, ना दूर मुझसे जाओ। चलते गर्दन में दर्द है, कमर में। कहता था 100 रुपया बहुत ज्यादा है, अबे साले तू आके करना, तुझे पता चले जैसे बहुत बड़ा एहसान किया इसने मिसेस सेठ से मिलवाकर। इसे सेठ क्या चीज है, मैंने तो अब तक पॉलिटिकल महारथियों के साथ काम किया है। रियली एक्सपीरियंस बताइए ना। अबे पैसे मुझे चुप रहने के लिए दिए जाते हैं, बताने के लिए नहीं। मेरे बारे में क्या ओपिनियन है आप, मतलब मैं बड़ा मर्डरर बन पाऊंगा क्या? मेरा एक ही एम है। ठिचों ठिचों ठिचों। अबे शोर ज्यादा हो रहा है, गोली आहिस्ता चला।
हेलो। नमस्कार मैडम। जीता, तुमने 15 मिनट लेट फोन किया है। जी नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। जी हाँ। शूट। शूट कब, किसको? बेवकूफ बोलो। मैडम मैं ये बताना चाह रहा था कि वो 9:35 पे यहाँ पहुँचे, 10:45 पे उन्होंने मोटर पे चेक इन किया और 11:30 बजे घूमने निकल गए। साथ साथ? हेलो मैडम। कहाँ चले गए थे? मैडम वो पुलिस की वैन की आवाज सुनी, देखने चला गया। पुलिस क्यों? जी वो मेरा कमरा दरिया किनारे है, यहाँ स्मगलिंग का माल उतरता है, पुलिस आती जाती रहती है। देखो उससे दूर दूर रहना। मैडम मैं तो इन दोनों के करीब हूँ, बाकी सबसे दूर हूँ। अच्छा सुनो, एक्सीडेंट एकदम जेन्युइन लगना चाहिए, किसी को शक ना हो कि किसी ने करवाया है। आप बेफिक्र रहे मैडम, मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हाँ और एक बात और याद रहे, एक्सीडेंट भयानक हो लेकिन राहुल की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। जी मैडम। और देखो आइंदा जिस वक्त कहा गया है उसी वक्त फोन करना। अब मैं रखती हूँ। क्या खेल है, एक्सीडेंट हो, भयानक हो, राहुल की जान भी न जाए, ये भी कभी हो सकता है। Coming, coming. Hello. Hi. All set? Yes. It's good. आ गए? मुझे लगा कि बस का समय हो रहा है, तुम अब तक नहीं आए। हाँ हाँ बस छूट जाती तो आपको बहुत दुख होता नहीं। और देख तेरे लिए पराठे रखे हैं, रास्ते में खा लेना। थैंक यू। ओह गॉड मैं अलार्म क्लॉक भूल गई, एक मिनट मैं। अच्छा सुनो, ज्यादा खतरा तो नहीं है ना, ये अकेली जाकर किसी के घर में रहेगी? डोंट वरी राधा, मैंने सब कुछ पता कर लिया है, दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल। ठीक है मैं भगवान के फूल लाती हूँ। ये क्या है? सरप्राइज गिफ्ट, वहां जाकर खोलना। हाँ ऐश, कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं? हो सकता है किसी ने तुम्हें पैसे दिए हो मेरा मर्डर करने के लिए, तभी तो तुम बॉम्बे से बाहर मेरे लिए नौकरी ढूंढ के लाए हो। मैं वहां जाऊं, ये पैकेट खोलूं और मर जाऊं, है ना? और तुम पर कोई शक भी ना करे। अपना ख्याल रखना। ऐश तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या वायरस हो गया? हाँ बस यूं ही समझो। Come on, Ash. मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। हाँ मुझे पता है। अच्छा ठीक है, अब तुम कहते हो तो नहीं जाती। नहीं नहीं तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। I want you to go. Ash, मैं कौन सा रुकने वाली थी? मैं तो ऐसे ही तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रही थी। और भागकर जल्दी वापस मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। Ash, तुम तो मुझे शादी करने के लिए कह रहे थे ना, तब तो मैं हमेशा के लिए चली जाती। सब कुछ ले लिया ना? ऐश, मामा का ख्याल रखना। Don't worry about that. And miss me. Boy, will I. Thanks a lot, Ash, for everything. पता है ऐश, ये सब कुछ तुम्हारे बिना पॉसिबल ही नहीं था। इनफैक्ट जिंदगी में तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ऐसे ही रहना, हमेशा मेरे दोस्त बनकर, चाहे मैं शादी करूं या किसी भी कोने में जाकर रहूं।